सो हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, एक बार फिर एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और पिछले कुछ ब्लॉग्स में काफ़ी कंप्लेंट्स थी लोगों की कि वीडियो एडिटिंग प्रॉपर नहीं है, साउंड नहीं है, तो सॉरी टाइम की लैकिंग की वजह से मैं ये सारी चीज़ें शायद नहीं कर पा रहा था। तो अब डिसाइड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, टाइम निकाला जाए कि जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी के लिए, और कुछ नए वीडियोज़ बनाऊँ। जैसा कि आज मैं आया हूँ गीता जयंती इस महोत्सव में, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा डेकोरेट हो रखा है। इधर देखिए वाटर का जो व्यू है, सरोवर का व्यू है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आज मैं यहाँ घूमने आऊँ तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ ही मैं घूमूँ, क्योंकि जो ये जर्नी शुरू की है, उम्मीद है, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जब ये वीडियो आएगी विद इन 1-2 डेज़ के अंदर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँगा, ताकि आप लोग भी आए यहाँ घूमें और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। और वर्चुअली तो अब हम हमारे साथ यहाँ पर घूम ही सकते हैं इस वीडियो में, तो चलिए घूमते हैं हम यहाँ ब्रह्म सरोवर और यहाँ के जितने भी शॉप्स हैं, क्रिएटिविटीज़ हैं, नई नई चीज़ें हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए घूमते हैं। 200 से स्टार्ट है और मैक्सिमम 250 जी, तो सस्ती रेंज है जी, जयपुरी है ना? अच्छा जयपुरी है, जयपुरी जुत्ती। ओके जयपुरी जुत्ती है जी। कितने नंबर स्टॉल है ये? ये है 276। 276 तो आइए और देखिए 200 से 250 तक ना, 200 से 250 के बीच में आपको यहाँ पर आपकी पसंद की जुत्तियाँ मिल जाएंगी। कैजुअल पहनने के लिए भी है, पार्टी वेयर भी है, जो भी लेना चाहे यहाँ आए और परचेज करें। ये क्या है लटक जो रही है, ये कैसे है? चप्पल है। कौन सी चप्पल? अच्छा पैरों में बांधने वाली है। ओके ये देख सकते हैं कितने शानदार चीजें हैं। तो चलिए और भी चीजें देखते हैं यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। पैसे पैसे कौन पे कुछ लेना देना नहीं। वाओ जब ये ऑन होता है ना फिर बोलना चाहिए। अब बताओ कहाँ से आए हो? राजनगर से भाई। यहीं से हो क्या? तो बारिश क्यों करवा दी आज भाई? बस बाबा की नगरी है ये यहाँ। अरे क्या बात, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की नगरी कैसे कहते हैं? कृष्ण की नगरी है। जय भोलेनाथ। कैसे 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 बताओ? भोले बाबा के बारे में वो बात ठीक है, लेकिन नगरी तो कहते हैं कृष्ण की है ना, ऐसे कहते हैं ना ये। अब ये नगरी हमारी। जय बाबा। जॉइंट, ये जॉइंट का सर है। जॉइंट का सर है। जॉइंट के जॉइंट का सर है। क्या तुम्हें जॉइंट बनाना आता है? सही समझे, सही समझे। जॉइंट कर। तो जिनको पता है कि किस नाम से? उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद डालेगा मिलेगा। अब इनसे चलो छोड़ो, मस्त मोले बालक मिले थे, अब हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब बड़े दूर से आए, कहाँ से आए हैं? हम साउथ केरला से। साउथ केरला से। देखिए तो ये कपड़े कौन से हैं, मतलब मिलते तो यहाँ भी हैं? यहाँ पे ये नहीं मिलेंगे। क्या फर्क क्या है इसमें? मतलब स्पेशली वहीं से तैयार होता है, इसका धागा सिर्फ असम में तैयार होता है। असम में तैयार होता है। बैम्बो होता है ना, बैम्बो को छील करके उसके कांप से इसका धागा तैयार होता है। बांस के उससे जो करते हैं ये बैम्बो सिल्क बोला जाता है इसको।
ओके, तो ये सर क्या कितना टाइम चल जाता है? ये बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। लॉन्ग टाइम, तो इसमें सिर्फ ये क्या है, मतलब इससे क्या बनेगा, सूट बनेगा? मिनिमम 10 इयर्स इसको यूज कर सकते हैं आप। मिनिमम टेन इयर्स अगर हिफाजत से रखिएगा, अच्छे से मतलब धोइएगा, साफ कीजिएगा, बढ़िया से रखिएगा हिफाजत से, तो 10 साल कम से कम चल जाता है आराम से। 10 साल और नहीं तो 15 साल कोई नहीं काट सकता अगर हिफाजत से रखिएगा। जैसे कोई होता है महीने में यूज करता है, कोई होता है मतलब जाकर के 6 महीने में एक बार पहन एक बार लिया, कभी कोई ओकेजन आया तो उस टाइम यूज कर लिया, 15-20 साल चला जाएगा आपका। ओके, तो मतलब काफी अच्छी चीज है जी। रेट वाइज कैसे होता है? रेट अलग अलग है, ये आपके 250 के रेंज में आएगा मीटर। वो खड्डी वाली चीज है, वो आपको 450 रुपये मीटर आएगा वो। तो इससे क्या बनता क्या है? ये गांधी जी के टाइम का वो खड्डी पे बना हुआ है। अच्छा, वो जो चरखे पे? हाँ, चरखे वाला चरखे धागा पे। देखो, वो लेडीज अपने से धागा तैयार करती है और उसको बनाती है, वीविंग करते हैं उनका जेंट्स। अच्छा, ये बाकी तो सारा लगभग लेडीज का ही है ना? वो रुई का धागा तैयार किया हुआ है। सही है, तो इसमें सारा मतलब हैंडमेड ही है? हैंडमेड, यहाँ जो लोग आए वो हैंडमेड चीज़ों को लेना चाहे तो इस तरह से ले सकते हैं। जनरली तो नहीं मिलता है ना बाजार? जनरली नहीं मिलेगा, जनरली ये अदर मार्केट में नहीं मिलेगा, बाहर मार्केट में नहीं मिलेगा। 19 तारीख तक है आप लोग यहाँ? बिल्कुल, 19 तारीख तक आप आए और एज यूजल परचेजिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारे यहाँ पे सेट लगे हुए भी हैं, सामने आप देख सकते हैं पूरी शॉप है। तो कितना नंबर है ये शॉप नंबर? कितना शॉप नंबर दीजिए इस बार, पहले तो शॉप नंबर भी नहीं है। 201 है, ऊपर ढक गया है, 201 है। चलिए आगे और देखते हैं, लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो पब्लिकली फर्स्ट टाइम मैं ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग मिल रहे हैं। अब यूट्यूब थोड़ा इनमें आ गया है, तो यूट्यूब इनमें आने की वजह से लोगों को ना अब ये ज़रूर पता है कि यूट्यूबर होते हैं कोई, मतलब ब्लॉगिंग करते हैं कुछ लोग। पहले लोगों को ये चीज़ नहीं पता था और हमें भी नहीं पता था, बट एज़ पर टाइम लॉकडाउन के बाद काफ़ी इनमें आ गया है ये, और अभी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और हेजिटेटिंग जो शायद कहीं मेरे अंदर भी खुद भी थी एक टाइम में, तो अब वो नहीं है। नहीं, अलग सोर्स में जैसे मैं हूँ तो उस चैनल पे तो खैर कर लेते हैं बातचीत, बट इस तरह के पब्लिक डोमेन में जाके आप ओपनली बातचीत किसी से नहीं करना है आपको। कई बार होता है कि आपको कोई नहीं मिल रहा है बात करने के लिए और आपको अकेले ही बोलना है, आपको अकेले बताना है, दिखाना है, तो वहाँ कई बार दिक्कत आती थी, तो अब शायद वो इशू नहीं आएगा, आई होप। ये नहीं पता भाई, 50 फुट आया लगभग बीच में, उसके बाद ये वाले के बाद ना बुझा के पे तो चलिए ठीक है, आगे और वीडियोस में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।